आगरा में नहीं थम रहा तीन तलाक का मामला। चार साल पहले हुई थी आगरा की रहने वाली रोशनी की शादी। शादी के चार महीने बाद से ही दहेज को लेकर पति ने शुरू कर दी मारपीट। महिला के पूरे शरीर पर आप देख सकते हैं चोटों के निशान। दो बार पुलिस ने करवाया था समझौता, फिर भी नहीं सुधरा दहेज का लालची पति। महिला को घर में पांच दिन तक बंधक बनाकर की मारपीट। किसी तरह जान बजाकर भाग निकली रोशनी। न्याय के लिए पहुंची है पुलिस के दरबार में। थाना हरिपर्वत पुलिस से की अपने साथ हुई आप बीती की घटना की शिकायत। थाना हरिपर्वत पुलिस महिलाओं के लिए नहीं है संजीदा, पीड़िता की नहीं होती है थाने में सुनवाई। जबकि तीन तलाक मामले में योगी व मोदी सरकार है काफी सख्त। तीन तलाक मामले में कानून बनने के बाद भी नहीं है लोगों को इसका डर। मारपीट करने के बाद महिला को मुंह से बोला था लालची पति ने तीन तलाक। थाना हरी पर्वत के बजीरपुरा का है पूरा मामला। रोशन जी बताइए, आपके साथ क्या घटना हुई है? मुझसे आदमी ने 20,000 रुपए की मांग करी थी, तो उस वजह से हम ये मारपीट बुध से चालू करिए। किसने, क्या मामला है पूरा? दहेज का मामला है, दहेज मांग रहे थे मुझसे। कौन मांग रहा है? आप पति मांग रहे थे, नंदे मांग रही थी। एक फरियाना है लोया मंडी में, ये आ जाती है फिर वही लड़ाई करवाती है। कितने साल पूर्व शादी हुई? चार साल हो गए। हाँ, क्या डिमांड करते हैं ससुराल वाले? पैसे की डिमांड करते हैं। अभी क्या हुआ है हाल ही में आपके साथ? पैसे की डिमांड कर रहे थे जी। और क्या क्या हुआ आपके साथ? हम बहुत मारपीट करिए नंदों ने। फरजाना एक का नाम, सवाना एक का नाम, एक का नाम पूरे शरीर में चोट है, नीले दिखाओ जी। हाँ, चोट है आपको। और बताइए क्या, कहाँ पर, कौन सी जगह पे आपकी ससुराल? बजीरपुरा पाली वाली बारक के सामने। छह लोगों ने करी, एक का नाम सकीलो, सवाना, फरजाना, वकीलो उर्फ वकील। पैसे की मांग के बोल। कहाँ पर? 20,000। कहाँ पर मारा आपको? कमरे में। कमरे में बंधक बना के रखा मुझे, पांच दिन तक खाने का कुछ नहीं दिया। आप पुलिस में नहीं कहा? नहीं, इसी वजह से नहीं आने दिया कि थाने में नहीं चली आए, कहीं रिपोर्ट नहीं लिखा दे हमारी। फिर पुलिस में गई, कोई कार्रवाई हुई? अभी तो मैंने कुछ गई नहीं हूँ।